that's location for the video. Hey guys, welcome back to the YouTube channel. I hope you guys are doing absolutely fine. My name is Arun. और आज देखो वापस हमने तीसरी बार वीडियो में फ्रेम चेंज कर लिया है. तो अभी है हम घर के पीछे वाला जो गार्डन एरिया होता है वहाँ पे. आई होप कि विंड नॉइस इतनी ना आए. अगर आ रही होगी तो मैं कुछ करूँगा उसका आफ्टर शूटिंग दिस वीडियो. ओके, सो प्रीवियस टू प्रीवियस जो वीडियो था, जो रॉ वीडियो मैंने बनाया था, जो रिमेनिंग वीज़ा एक्सटेंशन करने वाला, उसमें मैंने एंड में लोगों को क्वेश्चन पूछा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, लाइक एक्सपेंसेस पे चाहिए या स्टूडेंट अर्निंग पे चाहिए. तो काफ़ी लोगों ने कॉमेंट्स में आंसर किया था, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इट मीन्स कि जो जिन जिन लोगों ने आंसर किया है कॉमेंट में, उन्होंने एंड तक वीडियो देखा है. सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ की जिन्होंने एंड तक वीडियो देखा, जिन्होंने कमेंट किया. यही सारी चीज़ें मोटिवेशन देती है. लेकिन एक चीज़ मैंने और नोट की है, और एक एक्सपेरिमेंट हम करना चाहते हैं कि वीडियो पे 1500 व्यू आ जाते हैं, 2000 व्यू आ जाते हैं, तो लाइक इतनी क्यों नहीं आती? क्योंकि लाइक और कमेंट्स क्या है कि वो वीडियो को पुश करता है, यूट्यूब के एल्गोरिदम में उसको प्लेस करता है. तो मेक श्योर करो कि भाई 1500 लोग देख रहे हैं वीडियो, तो एटलीस्ट हम 50% लाइक्स तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना. लाइक कि आप वीडियो देख रहे हो तो नीचे ही छोटा सा लाइक का बटन होता है, बस आपको क्लिक कर देना है. वो आपको हार्डली आधा सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन वो रीच को पुश करने में, वीडियो पुश करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है. तो देखते हैं चलिए इस वीडियो पे कि व्यूज़ कितने आते हैं और कितने लोग अपना आधा सेकंड निकाल के नीचे वो लाइक वाला बटन दबाते हैं, और देखते हैं कि कितना, मतलब आई होप कि मैं बोल रहा हूँ तो इस वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा लाइक्स आनी चाहिए. और देखो ये हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो वेदर ऐसा है थोड़ा सा, मतलब कभी भी चेंज हो जाता है. ओके, नाउ बैक टू द टॉपिक. ये वीडियो है जिसमें मैं बात करूँगा, ऑलमोस्ट मुझे अब न्यूजीलैंड में 2.5 महीने के करीब होने को आए हैं, तो मैं बात करूँगा कि खर्चा कितना लगता है. देखो मैं पर पर्सन के हिसाब से बात करूंगा, पर वीक को लेके. अगर फिर आपको, आप दो लोग हो तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए, और आपको एक महीने का पूरा मतलब निकालना है एवरेज, तो इनटू 4 कर लीजिए, 4 वीक्स अ मंथ. ओके, तो सबसे पहला जो आपका एक्सपेंस होता है वो होता है रहने का. तो रहना मतलब समझ लो कि आप 4-5 लोगों का ग्रुप है, तो आप यहाँ होम रेंट आउट करके रह सकते हो. उसका भी मैंने एक एकोमोडेशन का वीडियो बनाया था, लेकिन वो थोड़ी टफ प्रोसीजर है. तो अभी हम ऐसी एक सिचुएशन को अज्यूम करते हैं कि आप सिंगल पर्सन हो और आप किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हो, लाइक किसी का घर है 2BHK 3BHK, उसमें आपको एक सेपरेट रूम मिला हुआ है, वहाँ आप रहते हो. तो दो चीज़ें होती है कि अब वो डिपेंड करता है कि आप किन के साथ रह रहे हो और उनका प्रोसीजर क्या है. लाइक मैं मेरे एक फ्रेंड को जानता हूँ जो यहाँ पे शेयरिंग में रहता है, उसका इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और वाटर बिल. एक दूसरी चीज़ है कि ऑकलैंड में जो पानी आप बहा देते हो गटर में, उस पानी का भी बिल आता है, मीटर लगा हुआ होता है. तो यहाँ पे आपको पानी भी बहुत ध्यान से खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि पानी का भी बिल आता है, वाटर बिल आता है. तो वो जो मेरा फ्रेंड रह रहा है, उसका रूम का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और इंटरनेट 220 पर वीक है. लाइक $220 दिया, सारी चीज़ें इंक्लूडेड. अगर किसी में ये इंक्लूडेड नहीं है तो उसका रूम का रेंट कम होगा, लाइक अराउंड 160-170 होगा. और फिर ये जो सारी चीज़ें हैं वो इनटू डिवाइड बाय जितने भी पर्संस है घर में, उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा. तो मान के चलिए कि ये सारी चीज़ें आपको अराउंड 200-230 डिपेंडिंग ऑन लोकेशन आपको ये चीज़ें मिल जाएगी. तो ये हो गया आपका फिक्स एक्सपेंस. फिर हो गया कि भाई आप खाएंगे तो सही ना, ग्रोसरी लेंगे, कुछ खाना बनाएंगे, या फिर जहाँ रहते हो उनको दे दोगे शेयर कि आप मेरा खाना बना दो, समथिंग लाइक दैट. तो अगर ग्रोसरी की हम बात करें तो दूसरा जो खर्चा मेजर आता है, अभी ग्रोसरी के प्राइजेस काफ़ी बढ़े हुए हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर एक रफली एवरेज हम मान के चले तो आप गिन लो $70-80 पर वीक. बहुत ज़्यादा हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप सबको पता है कि हमारा एक फिक्स बजट होता है, उस बजट के अंदर हमें सारी चीज़ें करनी होती है. तो वो $70-80 लगा लो, मतलब ये अगर 230 हो रहा है और 70 आपका हो रहा है अपना ग्रोसरी का, तो $300 वहाँ पे हो गए. फिर आप कॉलेज जाएंगे, आप अपनी जॉब की लोकेशन पे जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रांसपोर्ट सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आते वक्त आप गाड़ी लो, इतना एक्सपेंस करो लाइसेंस की थिंग्स वगैरह, तो वो थोड़ा देर लगता है, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही रिलाई करना पड़ेगा.
तो अगर एक महीने का आप समझो तो अराउंड $30 होता है, क्योंकि मैं जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, अपनी जॉब पे जाता हूँ, तो अराउंड $30-$35 आपको पर वीक हो जाता है। चलो कभी कभी ज़्यादा हो जाए तो हम उसको पर वीक 10 समझते हैं, तो 300 हो गया था, और $10 ट्रांसपोर्टेशन का जोड़ लो तो $310। दूसरी भाई जो अब यहाँ के बाद के जो एक्सपेंसेस है ना, वो पर्सनल एक्सपेंसेस है। लाइक चलो आप कभी मूवी देखने चले गए, कभी आप बाहर खाने चले गए, कभी आपने ऑर्डर कर लिया कोई चीज़ें, कुछ शॉपिंग करने चले गए, तो वो सारी चीज़ें अलग है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन आपकी चॉइसेस क्या है। बाकी जो मेजरली यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो रेंट, अपने जो भी बिल्स हो गए, फिर ग्रोसरी और ट्रांसपोर्टेशन, ये चार मेजर एक्सपेंसेस है। फिर एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे आप अपना एसेट्स बढ़ाते जाते हो। लाइक जब आप गाड़ी लेते हो तो उसका इंश्योरेंस, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट, वो सारी चीजें एक अलग मैटर है, वो अभी एज अ स्टूडेंट मैटर नहीं करती। तो बेसिक ये आप कहीं भी रहो, लाइक सीबीडी में रहो तो $20-$25 कम ज्यादा होगा, सबर्बन में रहते हो तो बस $25-$30 कम ज्यादा होगा, मेजर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो एज पर माई ओपिनियन और माई एक्सपीरियंस, मैंने जो चीज़ें हैं वो कलेक्ट की है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अराउंड $330-$350 पर वीक एक स्टूडेंट का खर्चा हो जाता है। अब फिर वो चाहे सिटी में रहे या कोई सबर्बन में रहे, तो ये एक कैलकुलेशन है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो है वो एक प्रॉपर एक्सेल शीट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि चलो खर्चा तो हो गया, लेकिन वो खर्चा निकालने के लिए कमाना तो पड़ेगा ना, तो स्टूडेंट कितना अर्न कर सकता है वो मैं पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो एक्सेल शीट के थ्रू बना के आपको समझाऊंगा। लेकिन अगेन, अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो, कम लोग पहुँचेंगे काफ़ी, लेकिन जो लोग यहाँ तक पहुँच गए वो मेक श्योर करो कि लाइक करके जाओ। लाइक का मैंने शुरुआत में बोला था, लेकिन जो लोग यहाँ तक पहुँच गए वो कमेंट में कुछ नहीं तो बस एक हार्ट बना के चले जाओ तो थोड़ी सी रीच मिलेगी। देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो पे एम थोड़ा ज़्यादा है लाइक का। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी दिन ऐसे ही वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अरुण।